basics of sargam and scales in Indian and Western music. Indian music में सरगम इंडियन सरगम होती है सारे गामा पाधा निसा. वेस्टर्न म्यूजिक में सेवन नोट से स्केल काउंट होता है जो नेचुरल स्केल जहां से बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. गिटार कीबोर्ड या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी बेसिक्स कंसेप्ट हैं उसके अंदर ये सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं. यहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है. इसमें जो डाउट्स हैं जो हमारी आगे इसको टॉपिक को क्लियर करने के लिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसमें जैसे है हाउ मैनी नोट्स इन ए स्केल. हाउ मैनी नोट्स एक स्केल में, स्केल मैंने सात स्वर, तो सात स्वरों में जो हमें इसको डिफाइन करना है एक स्केल में जो सात स्वर हैं वो किस पैटर्न में होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्केल, और उसके अंदर जो स्केल का गैप होता है नोट्स का वो कैसे होता है. उसके बाद फिर आगे जैसे हाउ टू काउंट द नोट्स, नोट्स को कैसे काउंट करना है कि किस नोट के बाद कौन सा स्वर, किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा, उसके बाद फिर कौन सा स्वर आएगा, लास्ट में कौन सा स्वर आएगा, और नेक्स्ट स्केल में जब शिफ्ट करेंगे तो कौन सा स्वर आएगा. मेनली हमारे पास मेल फीमेल दो ऑक्टेव होते हैं. ऑक्टेव मैंने स्केल पिच जहां से हम लोग गाते हैं या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं. मेनली सिंगिंग के साथ जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग प्ले किया जाता है कि सिंगिंग जो हो रही है कोरस में. इंडियन म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक में जो कोरस गा रहा है या सोलो में कुछ गा रहे हैं या कंबाइंड कुछ ऐसा सॉन्ग चल रहा है जिसमें सोलो गाने वाले के पीछे बैकअप में उसके कोरस उसको प्ले कर रहा है और उसको ओवरऑल किस पिच में लिया हुआ है, किस स्केल में वो गा रहे हैं और किस पिच से उस स्केल को बाकी सब इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बैकअप में उसका साथ में उसके बज रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, कहाँ पीस बज रहा है, कौन सी जगह पर गिटार का पीस आ रहा है, कौन सी जगह पर पियानो कीबोर्ड का आ रहा है, कहाँ पर अलाप हो रहा है सिंगिंग का, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें क्लियर हो जाएंगी आगे. तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हम लोग गा रहे हैं वो मेल गा रहा है या फीमेल गा रहा है. अगर मेल गा रहा है तो मेल जो वॉइस में जो कोई भी पर्सन गा रहा है या कोरस गा रहा है या कोई भी ग्रुप में गा रहे हैं तो अगर वो मेल वॉइस में है तो उसकी पिच कहाँ से स्टार्ट होती है. उसके बाद अगर कुछ फीमेल कुछ गाना चल रहा है जिसमें लेडीज गा रही हैं या बच्चे गा रहे हैं, लेडीज और बच्चों का फीमेल जो पिच होती है वो सिमिलर होती है मोस्टली, तो इसके अंदर फीमेल में हमारा स्केल स्वर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हाउ मैनी नोट्स इन ए स्केल. स्केल के अंदर सात स्वर होते हैं, सेवन नोट्स, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो. तो इसके अंदर सात स्वर होंगे, सा रे गा मा पा धा नी. ये सात स्वर, नी पर लास्ट नोट नी आएगा, उसके बाद जब दोबारा सा आएगा तो वहां से नेक्स्ट स्केल है जो अगला हाई नोट, उससे हाई नोट वहां से स्टार्ट हो जाएगा, आगे फिर एक स्केल और बन जाएगा. सेम वैसे ही फीमेल के अंदर सरगम इसी तरह से होगी इंडियन म्यूजिक में, लेकिन उसको गाना कहाँ से है, वॉइस जहाँ का, जहाँ लेडीज कोई गर्ल या बच्चा गा रहा है उसकी वॉइस कहाँ पर उसको मैच कर रही है, उसका स्केल उसके अकॉर्डिंग स्वर सरगम उसको वहां से लिया जाता है. तो इसके अंदर हम मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ से पर्टिकुलर उनका स्केल होता है वो वहाँ से गाने की बजाय वो कहीं और से सरगम बजा रहे हैं, कहीं और से गा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम आती है या हम बहुत मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आउटपुट नहीं आती है, तो उसका कारण यही होता है कि हमारे पास प्रॉपर पिच नहीं है कि बच्चे कहाँ से गा रहे हैं. या प्रोफेशनल्स भी अगर गा रहे हैं तो कई बार वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है कि प्रॉपर पिच नहीं होती है गाने के लिए कि हमने कहाँ पर गाना है. तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे जो स्केल है, हमारी पिच है, वो गाने की एक्चुअल पिच कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सरगम बनती है. इंडियन म्यूजिक के अंदर ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है. तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेल हुआ है इसके अंदर हमारे हारमोनियम और कीबोर्ड में ये इस तरह से होता है, टू ब्लैक, उसके बाद थ्री ब्लैक, उसके बाद टू ब्लैक. तो मोस्टली यहाँ जो मेल होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो यहाँ से सा रखते हैं, सा, उसके बाद सेकंड नोट रे,
सेकंड ब्लैक, फिर यहां से ग, यहां से मा, प, ध, नी, देन इसके बाद हमारा नया स्केल यहां पर जो सा आएगा, वैसे ही टू ब्लैक में जो नेक्स्ट टू ब्लैक आएगा, टू ब्लैक, थ्री ब्लैक, टू ब्लैक, इसके बाद जो फर्स्ट आएगा सा, यहां पर हमारा हाई स्केल स्टार्ट हो जाएगा, हायर नोट स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी में उसको तार सप्तक कहते हैं, सप्तक मैंने जिसमें सात स्वर होते हैं। इसके ऊपर यहाँ डोट आ जाएगी, डोट इसलिए आएगी कि हमें पता चल जाए कि सा यहाँ पर बजाना है या सा यहाँ पर बजाना है। सेम ऐसे ही अगर फीमेल में आएंगे तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का जो पिच होती है वो इस सा से आती है। यहाँ से जो तीन ब्लैक है, थ्री ब्लैक, तो टू ब्लैक, उसके बाद फिर थ्री ब्लैक, तो यहां से सा, रे, ग, म, प, ध, नी, उसके बाद फिर नेक्स्ट, यहीं से नेक्स्ट स्केल स्टार्ट हो गया। उसके बाद वाला स्वर वैसे ही हो गया जैसे सा के बाद रे है यहां पर, इसी तरह सा के बाद यहां पर रे है, इसके ऊपर डोट आ जाएगा, यहां पर सा और रे पर डोट नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्केल जब स्टार्ट हो गया हाई नोट, तो वहां सा, उसके बाद पे आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा सेवन नोट्स पैटर्न हो गया, हाउ मैनी नोट्स, जो मैंने आपको बताया कि इसमें कितने स्केल में कितने नोट्स, कितने स्वर होते हैं। मेल फीमेल में स्वर एक जितने होते हैं, सिर्फ गाने की पिच वो अलग अलग होती है। अब इसके अंदर अगर हम प्ले कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें फिंगर्स कहाँ आएगी, कितनी फिंगर यूज होंगी, थंब कहाँ पे आएगा, तो वो प्रॉपर वो चीज होनी चाहिए ताकि हमारे हाथ का फ्लुएंटली उसको हम लोग प्ले कर सकें, उसको प्रॉपर बजा सकें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर प्रॉपर उसमें हमारा हाथ प्रॉपर चल जाए। अगर हम कोई कॉम्पोजिशन बजा रहे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे एक साथ बजा रहे हैं, तो 50 के 50 बच्चों को अगर उसमें 12 साल का बच्चा गा बजा रहा है और साथ में उसके 20 ईयर या 18 ईयर का जो प्रोफेशनल की तरह बजा रहा है बच्चा, अच्छा बजा रहा है, वो सिमिलर कैसे बजाएंगे उस चीज़ को, तो उसमें जो छोटे स्टूडेंट्स होंगे या न्यू स्टूडेंट्स होंगे, उनका जो फिंगर स्टाइल है, उनको प्रॉपर फिंगर, वे ऑफ फिंगर, जो उसका स्टाइल है बजाने का, उनको क्लियर होना चाहिए कि हमारा हाथ इस तरह चलेगा, कौन सी फिंगर पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, थंब कहां पर आएगा, इस तरह उनकी प्रॉपर स्पीड बन जाएगी, तो वो सिमिलर हमें एक परफॉर्मेंस तैयार करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स प्रॉपरली उसको प्ले कर पाते हैं, उसको बजा पाते हैं, उसको गा पाते हैं। तो इसी तरह फीमेल का है, इसमें अब मेल में यहाँ पर सा पर फर्स्ट फिंगर, रे पर सेकेंड, ग पर थम, टी फॉर थम, मा पर फर्स्ट फिंगर, प पर सेकेंड, ध पर थर्ड, नी पर वन टू थम, वन टू थ्री थम, देन फर्स्ट फिंगर। ये मेल वॉइस में जो मेल पिच है, जो हारमोनियम और कीबोर्ड में इंडियन स्टाइल में इस तरह से होगा। इसी में फीमेल में अगर इंडियन स्टाइल में हम सरगम गाएंगे, तो उसमें सा पर फर्स्ट, रे पर सेकेंड, थम, वन टू थम, वन टू थम, वन देन टू, मीन्स यहां पर आप लोग सा पर फर्स्ट, रे पर सेकेंड, ग पर थम, मा पर फर्स्ट, पा पर सेकेंड, धा पर थम, नी पर फर्स्ट और सा पर सेकेंड फिंगर आ जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर भी ऐसे ही होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी ऐसे होगा। सेम मेल के अंदर भी सारे गामा बाधा नी सा, सानी थपा मागा निसा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक तरह से उसका जो नोट्स वही रहेंगे, सिर्फ असेंडिंग में सा से ऊपर की तरफ जाना है और वापस जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है तो सा से वापस नीचे सा की तरफ वापस आना है, सा नी थपा मागा निसा। ये इसका फिंगर स्टाइल है इसका दोनों का। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको अभी साथ में वीडियो अटैच करूंगा, आप उसको देखिए अच्छे से। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बीच के स्वर हैं इनको क्या बोलते हैं इंडियन म्यूजिक के अंदर, तो वो हम इसके नेक्स्ट लेसन में साथ में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। थैंक यू। मेल जो स्केल है उसको हम काउंट करते हैं यहां से, तो टू ब्लैक हैं, फिर थ्री ब्लैक, फिर टू ब्लैक। तो यहाँ जो टू ब्लैक में मिडल स्केल में जो फर्स्ट नोट है टू ब्लैक में, ये सा है, उसके बाद रे सेकंड, उसके बाद फिर गा, यहाँ थम से बजेगा,
फिर मा फर्स्ट फिंगर, फिर पा सेकंड फिंगर, धा थर्ड फिंगर, नी थम, फिर यहाँ पर अगले जो सा जो उसके बाद दोबारा सा आएगा तो वहाँ पर सा फर्स्ट फिंगर से। इस सा से हमारा नेक्स्ट जो स्केल है, हायर नोट्स हैं जो हमारे, या तार सप्तक जिसे कहते हैं हिंदी में, तो तार सप्तक के स्केल स्वर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सा रे ग म प ध नी सा, देखिए। तो फर्स्ट फिंगर सा रे ग पर थम आएगा, फिर मा पा धा नी सा, इसको यहाँ से ऊपर तक जाएंगे यहाँ तक, तो ये असेंडिंग ऑर्डर आरोही कहते हैं इसको। नीचे से जाते जाते जब ऊपर जाएंगे तो आवाज़ इसमें तीखी हो जाएगी, देखिए। सा रे ग मा पा धा नी सा, फिर वापस आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके अंदर हमें अवरोही कहते हैं इसको। अवरोह है जो पोजीशन, जो फिंगर की पोजीशन सेम रहेगी, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एक के बाद दूसरा स्वर जो उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, जैसे देखिए सा से रे ऊंचा है, सा रे, रे से गा ऊंचा है, रे गा, तो इस तरह जो आगे स्वर आ रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आवाज़ है जो हमारी ऊंची हो रही है। इसी तरह वापस आएंगे तो आवाज़ नीचे आती जाएगी, सा रे गा मा, वापस जाएंगे तो मा गा रे सा। अब जो ऊपर वाला ये वाला सा है, इस सा के ऊपर जो ये नोट्स हैं ये तार सप्तक कहते हैं, और जिस सा से हमने स्टार्ट किया है उसके नीचे जो सेम वैसे ही स्वर दिख रहे हैं हमें, सा फिर नी धा, इस तरह नीचे जो स्वर हैं ये मंदर सप्तक है, लो पिच होती है, इसके अंदर जब स्वरों को लिखते हैं तो उनके नीचे डोट लग जाती है। हाई नोट्स में तार सप्तक में जब हम स्वर लिखेंगे तो सा के ऊपर डोट लगेगी, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो स्केल है हमारा, फीमेल जो बजाते हैं मोस्टली यहाँ से बजाते हैं वो, या छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या गर्ल्स के लिए, तो वो हम थ्री ब्लैक टू ब्लैक थ्री ब्लैक, इसके बीच में जो ये थ्री ब्लैक के बीच में जो ये स्वर है ये सा, इसको काउंट करते हैं हम लोग। बाकी आवाज़ स्केल के अकॉर्डिंग, आवाज़ किसी की ज़्यादा पतली है तो या भारी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, स्केल को, स्वर को, सा को यहाँ से भी रख सकते हैं या इधर से भी रख सकते हैं। तो कहीं से भी सा स्वर जो हमें जो सप्तक है, सारे गामा पा धा नी सा जो स्वर है, वो कहीं से भी हम लोग स्केल रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो फीमेल के लिए ये स्केल यूज़ होता है और मेल के लिए ये वाला यूज़ होता है यहाँ पर इंडियन म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ये बीच वाला थ्री ब्लैक में जो यहाँ पर सा है फर्स्ट फिंगर, रे सेकंड फिंगर, ग पर यहाँ पर थम आएगा, फिर फर्स्ट फिंगर मा प सेकंड, और यहाँ पर जब धा लगेगा तो धा को थम से बजाना है, जबकि मेल वाले में हमने सा रे ग मा पा धा यहाँ थर्ड फिंगर आई थी, तो यहाँ पर स्वरों के जो हाथ की शेप बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग स्वरों को बजाना है, कि हाथ की जो शेप है और बजाने की जो स्पीड है वो प्रॉपर हमारा हाथ मेंटेन होकर के प्रॉपर स्वरों को प्रॉपर पुश करे और अच्छे से प्रॉपर उसकी साउंड आए हमें, देखिए। तो यहाँ पर हम ये थम पहले आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर नी और फिर यहाँ पर तार सप्तक का सा, सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हमारा फीमेल का जो स्केल है वो यहाँ से होगा, और यहाँ से मेल का स्केल जो होगा वो यहाँ से होगा फर्स्ट ब्लैक से, और फीमेल का होगा यहाँ से जो थ्री नोट्स हैं, जो थ्री ब्लैक हैं उसमें सेंटर वाला नोट है, वेस्टर्न में इसको जी शार्प बोलते हैं, तो यहाँ से सा स्वर स्टार्ट होगा और इस सा पर ये फिनिश होगा। थैंक यू। हाउ टू काउंट द नोट्स, हमें कैसे काउंट करना है कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा, और जो बीच में गैप है उस स्वर को कैसे हमने
शो आउट करना है या उसको प्ले करना है, या हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा स्वर है बीच में, जैसे सा और रे के बीच में यहाँ पर है स्वर, तो इसको काउंट करने का सबसे पहले जो नेचुरल स्केल है, इसको काउंट करने का सबसे पहले जो वेस्टर्न म्यूजिक में और इंडियन म्यूजिक दोनों में यूज किया जाता है, सबसे पहले जो पूरा एक सा के बाद रे और बीच में एक स्वर आ गया, अगर हम सा के बाद सीधा रे पे आ गए तो इसको होल नोट कहते हैं, होल नोट। अगर हम सा के बाद बिल्कुल नीचे यहाँ पर वाइट नोट पर आ रहे हैं, स्वर पर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हाफ नोट। तो इसको हाफ टोन या होल टोन भी कहते हैं। तो इसको क्या करना है हमें, सा के बाद यहां पर रे ग म प ध नी सा, इसको सिंपल जो फॉर्मूला है उसका सिंपल फॉर्मूला है 1 3 5 6 8 10 and 12। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नोट मींस जहां से हमने सा लिया है, ये हमारा फर्स्ट नोट हो गया। फर्स्ट के बाद हम सेकंड नहीं ले रहे, थर्ड ले रहे हैं, फर्स्ट फिर थर्ड, फोर्थ नहीं ले रहे, फिफ्थ ले रहे हैं, 1 3 5 देन 6 7 नहीं लेना, 8 9 नहीं लेना, फिर 10 लेना है, 11 नहीं लेना, 12 लेना है। मींस यहां 1 पर आ गया सा रे ग म प ध नी, ये आपका नेचुरल स्केल है जो शुद्ध सरगम, ये शुद्ध सरगम हम कहीं से भी प्ले कर सकते हैं, इसको कहीं से भी बजा सकते हैं, फॉर्मूला यही रहना चाहिए। सेम सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर रहे हैं हम फीमेल में, यहां पर फर्स्ट नोट हमने सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है, जो 3 ब्लैक है, 2 ब्लैक है, फिर 3 ब्लैक है, 3 ब्लैक में बीच वाले स्वर से हमने ब्लैक में से हमें उसको सा लिया है आवाज वॉइस के अकॉर्डिंग इसको, तो ये फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नहीं लिया हमने, थर्ड ले लिया, 1 3 5 6 8 10 एंड 12। तो ये हमारा 12 नोट्स का ये फॉर्मूला कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन ये स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर कोई हमारे घर में कुछ और भी, अगर हमारे बड़े या कोई हमारे भाई बहन या पेरेंट्स अगर कोई भी इस तरीके को इसको रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो भी कहीं से ही सरगम बजा सकते हैं, हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं से देखा और वैसे का वैसे इस पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप टेक्निकली इसको सीख करके अगर प्रॉपरली आप इसको यूज करोगे, इसको स्वर को कहीं से भी प्ले करोगे तो प्रॉपर अच्छे से सरगम बज जाएगी प्रॉपर। अब नेक्स्ट थिंग इसमें है कि इनके बीच वाले स्वर को क्या कहते हैं, ये स्वरों का जो रोल है 7 स्वरों का, उसमें किसका कितना रोल है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो है सा और पा, ये फिक्स है, हिंदी में इसको बोलेंगे अचल, ये अचल स्वर है सा और पा, ये स्वर फिक्स रहते हैं, इनका कोई भी दूसरा साथ में स्वर के साथ वाले स्वर में इसकी कहीं भी इसको सा के साथ इसका रिलेशन नहीं है, इसको सा का नाम यहाँ कभी यूज नहीं होगा और इसी तरह सा का इससे पहले कहीं नाम यूज नहीं होगा। मीन्स आप सा और रे के बीच में अगर हम ये वाला देखेंगे तो रे, इस रे से पहले ये वाले रे को बोलेंगे रे कोमल, कोमल के लिए नीचे ऐसे लाइन आ जाएगी, सा का नाम यहां नहीं लेना है, रे कोमल मींस रे पहले वाले स्वर को कोमल कहते हैं, कोमल स्वर, कोमल स्वर, कोमल स्वर होते हैं हमारे इसमें 7 स्वर में रे ग ध और नी, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो कोमल स्वर होते हैं, मीन सा रे कोमल, गा से पहले गा कोमल, पा और धा के बीच में धा से पहले धा कोमल, यहां नी से पहले नी कोमल, और पा सा फिक्स है, पा कोमल नहीं होगा, सा कोमल नहीं होगा। इसी तरह अब इसमें एक स्वर बचता है मा, ये कोमल स्वर स्वर से पहले आते हैं हमेशा, और जो मा स्वर है अकेला स्वर है उसको बोलते हैं तीव्र, तीव्र स्वर, अकेला मा स्वर ऐसा होता है जो एक्चुअल जो मा स्वर के बाद में आता है बिल्कुल साथ में, तो ये मा तीव्र आएगा यहां पर तीव्र। इस तरह से अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे यहां पर 7 आ गए नोट्स, 7 प्लस 4 हमारे कोमल आ गए और एक हमारा तीव्र आ गया, इस तरह से हमारे टोटल 12 नोट्स बनेंगे, 12 स्वर बनेंगे एक सप्तक में, एक स्केल के अंदर, एक सरगम के शुद्ध स्वरों को और
इन स्वरों को मिला करके, ये वाले शुद्ध स्वर है, ये वाले ऊपर सा रे ग म प ध नि जो हमने नीचे काउंट किए हैं पांच स्वर, ये विकृत स्वर है, इनको बोलते हैं विकृत स्वर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आगे हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो प्रैक्टिकल वर्क में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सा बजा रहे हैं, रे बजा रहे हैं, कौन सा रे बजा रहे हैं, रे कोमल बजा रहे हैं, रे शुद्ध बजा रहे हैं, कौन सा स्वर बज रहा है। अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या लाइट म्यूजिक सीख रहे हैं, गीत गजल या भजन हम सीख रहे हैं, या शास्त्रीय संगीत, या हम 11 12th में हम लोग एज ए सब्जेक्ट 9 10th में हमने CBSE में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट म्यूजिक वोकल या वोकल या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, कुछ भी हमने क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये उसका सबसे बेसिक सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है। उसके अलावा आपने अगर एज ए हॉबी सीखना है म्यूजिक, तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप उसको प्रॉपर अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे, उसको आपकी प्रेजेंटेशन वीक रहेगी, कॉन्फिडेंटली आप उसको प्ले नहीं कर पाओगे, डाउटफुल बजेगा आपका सारा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है आपको। इसका रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्वर हैं जो, स्वरों को काउंट कैसे किया जाता है, कि सप्तक में कितने स्वर हैं और किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके शुद्ध स्वर कौन से हैं। तो जो सा, यहाँ पर फर्स्ट ब्लैक हम स्टार्ट करेंगे, मेल जो हमारा स्केल है, फर्स्ट ब्लैक यहाँ पर सा रे ग म प ध नी फिर सा। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी, जो रूल इसके अंदर जो अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी स्वरों को काउंट करना होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि सा और पा स्वर हैं जो, ये एक इंडियन म्यूजिक में रूल है कि सा और पा स्वर ऐसे स्वर हैं जो फिक्स होते हैं, अचल कहते हैं इनको, अचल स्वर। इनका कोई भी दूसरा स्वर नहीं होता, दूसरा स्वर मीन्स कि ये इनका सा, सा का एक ही स्वर सा ही होता है और पा का एक ही स्वर पा ही होता है। लेकिन जो रे ग धा नी ये स्वर ऐसे हैं जिनका एक एक स्वर कोमल होता है। जैसे कोमल मैंने जो एक्चुअल स्वर रे है, तो रे से जो पहले आ गया उसको कोमल स्वर कहेंगे, जो किसी भी स्वर के पहले वाला स्वर उसको कोमल कहेंगे। तो सा और पा ये फिक्स हैं, सा का कोमल नहीं होता, पा का कोमल नहीं होता, क्योंकि ये फिक्स है रूल के अकॉर्डिंग। तो सा और रे, रे से पहले यहाँ पर ये रे कोमल है, रे और गा इसके बीच में ये वाला गा कोमल है। अब इसके बाद माँ और पा के बीच में यहाँ गैप है, क्योंकि माँ से पहले ऑलरेडी यहाँ पर गा है, तो माँ और पा के बीच में ये स्वर है, इसको बोलेंगे माँ तीव्र। तीव्र मैंने माँ के जो बाद में आ रहा है, बाद वाले स्वर को तीव्र स्वर कहा जाता है और पहले वाले स्वर को कोमल कहा जाता है। जैसे रे से पहले रे कोमल, गा से पहले गा कोमल, तो इसी तरह माँ के बाद माँ तीव्र। पा फिक्स है, पा का ना कोमल हो सकता है ना ही तीव्र हो सकता है, तो इसलिए पा धा के बीच में यहाँ पर जो ये वाला स्वर है ये होगा ध कोमल। उसके बाद धा और नी के बीच में ये यहाँ पर नी कोमल आएगा स्वर। तो इसमें सात स्वर शुद्ध हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी जो स्वर हैं सा रे के बाद बीच में ये रे कोमल, रे और गा के बीच में गा कोमल, माँ के बाद ये माँ तीवर, फिर उसके बाद धा कोमल, पा के बाद धा और पा के बीच में धा और नी के बीच में नी कोमल। तो टोटल हो गए ये सात स्वर शुद्ध हो गए, और उसके बाद ये दो कोमल यहाँ पर हो गए रे और गा, दो कोमल यहाँ पर हो गए धा और नी, उसके बाद एक तीव्र बचा यहाँ पर, ये तीव्र होगा। तो टोटल हो जाएंगे हमारे सात शुद्ध स्वर हो जाएंगे, चार कोमल हो जाएंगे, रे गा धा नी चार कोमल और एक स्वर यहाँ पर तीव्र हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 7 + 5 12 नोट्स हो जाएंगे प्रॉपर। ये 12 नोट्स में रे गा धा नी कोमल और मा तीव्र हो जाएगा, 7 और 5 टोटल 12 नोट्स हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सेम इसी तरह फीमेल का जो है स्केल है हमारा, सा रे, रे कोमल आ गया, रे और गा के बीच में गा कोमल, माँ और पा के बीच में ये माँ तीवर आ गया, फिर पा और धा के बीच में धा कोमल, फिर धा और नी के बीच में यहाँ पर नी कोमल आ गया। और एक इसका फॉर्मूला मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर बताया है अभी, इसका फॉर्मूला होता है 1 3 5 6 8 10 12। फिर से देखिए 1, 2 को नहीं लेना, 3
फोर को नहीं लेना, फाइव, वन थ्री फाइव नोट, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद सिक्स लेना है, सिक्स के बाद सेवन नहीं लेना, एट लेना है, नाइन नहीं लेना, टेन लेना है, फिर इलेवन नहीं लेना, ट्वेल्व लेना है, वन थ्री फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व। तो देखिए तो ये इसका स्केल जो शुद्ध स्वर यहीं इसी तरह से बजेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाया है। उसके बाद बीच वाले जो बाकी स्वर हैं वो कोमल और तीव्र स्वर बन जाएंगे। आप कहीं से भी सरगम बजाएंगे यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए सा वन थ्री फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व, उसके बाद फिर फर्स्ट जो भी फर्स्ट है आपका वन है जो नोट, वो वहाँ से सा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप कहीं से भी स्वर इसका स्केल कहीं से बजा सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए मैं यहाँ से बजा रहा हूँ, वन थ्री फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व, फिर यहाँ ट्वेल्व के बाद यहाँ पर ये देखिए। तो इस तरह कहीं से भी हम लोग सरगम बजा सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। थैंक यू।